रतलाम जिले की सभी तहसील रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण, सेलाना, बाजना, रावटी, जावरा, पिपलोदा, आलोट व ताल में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9425046807। रतलाम जिला पंचायत चुनाव में कुल 16 मतों में से 3 मतपत्र निरस्त हुए, 6 मतपत्र कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी रुक्मणी बाई को मिले। इसी प्रकार 7 मत भाजपा समर्थित प्रत्याशी लालाबाई को मिले। इस प्रकार जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित लालाबाई का कब्जा। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष विधायक हर्ष विजय गहलोत और कांग्रेस विधायक मनोज चावला के साथ जयस करणी सेना ने मिलकर अपने प्रत्याशी रुक्मणी बाई को जिताने के लिए मतदान किए थे, जिनमें कुल 9 वोट इन लोगों ने मिलकर किए थे। इसमें से प्रशासन ने 3 वोट निरस्त बताए, जिसके बाद भाजपा को जीत दे दी गई, जिससे नाराज कांग्रेस विधायक मनोज चावला ने प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए काफी हंगामा किया, जिसमें पुलिस की मौजूदगी में खड़े होकर विधायक मनोज चावला ने आरोप लगाए कि शिवराज सिंह चौहान के इशारों पर प्रशासन ने भाजपा को जीत दिलाई है, हमारे 3 वोट गलत निरस्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री का फोन आया था कल कलेक्टर के पास और सीधे बोला था कि भाजपा को जिताना है। इस तरह के आरोप कांग्रेस विधायक मनोज चावला ने लगाए, जिसके बाद अभी भी कांग्रेसी धरने के लिए बैठे हुए हैं। बार बार प्रशासन और कलेक्टर से बात करने की बात बोल रहे हैं, पर कलेक्टर और कांग्रेसी अभी तक आपस में बात नहीं कर पाए। टीम भारती न्यूज करी पूरा इन्हें जवाबदारी ले ली थी। मुख्यमंत्री का कल 1:30 से 2 बजे तक लगातार किया जा रहा था, और जो हमारे रुक्मण भाई रमेश मालवीय उसके घर पे लोगों को परेशान किया जा रहा है, कैसे भी लाके उनको दो और हम लोग फैसला करेंगे जो भी करना है। और कलेक्टर को और एसपी को जवाबदारी दी गई थी कि तुमको जिला पंचायत रतलाम की बनाना और किस तरह तुमको बनाना है। उनका फार्म निरस्त नहीं कर पाए, वो उनकी चली नहीं, हमको घेर नहीं पाए, हमको सुबह 6 बजे यहाँ पे आना पड़ा। हमको बता दी कि ये पुलिस और प्रशासन मिलके हमारे लोगों को यहाँ पहुँचने नहीं देख लिया, हमने 6 बजे सुबह पहुँचाया। उसके बाद भी हमारे वोट निरस्त जो है अवैध तरीके से इन्हें खुद ने निरस्त वोटों को किया और भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को जिताने का प्रयास किया। गड़बड़ी चल रही है अंदर, आपको लगता है कोई गड़बड़ी चल रही है अंदर? पूरी आशंका थी, इसीलिए हमने 6 बजे सुबह सभी सदस्यों को लेके आए, वो सभी आपके सामने, आप लोग भी, मीडिया भी थी, पुलिस भी थी, उसको 6 बजे हम लोगों ने अंदर किया। पूरी गड़बड़ी की आशंका थी और निश्चित रूप से यहाँ पर जो हमारा रतलाम जिला विकास मंच का प्रत्याशी है रुक्मणी बाई रमेश वो जीत रहा है और उसको 9 में से 9 वोट पूरे मिलेंगे, हमको पूरा पूरा गारंटी है। लेकिन यह गड़बड़ी हो रही है, परिणाम की घोषणा। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।